तो बस कृपया ध्यान दें, बेल आइकॉन दबाएं और एड्यूरेका हिंदी यूट्यूब चैनल की कोई वीडियो मिस ना करें। टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रहा है और उसी के साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी, तो एक बिगनर के लिए आज के डेट पे काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है कि वो कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे। हाय, मैं हूँ उपासना और ये है एड्यूरेका हिंदी यूट्यूब चैनल, आपके सारे नए टेक्नोलॉजी सीखने का वन स्टॉप सोल्यूशन। और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस 2019 के। नंबर 10 पे हमारे पास है कॉटलिन। कॉटलिन एक गूगल एंडोर्स्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि एंड्रॉयड एप्स बिल्ड करने में हेल्प करता है, और आज के दिन में वो वेब डेवलपर्स के बीच सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये एक स्टैटिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि JVM पे रन करता है, और पॉपुलर फ्रेमवर्क्स जो कि कॉटलिन यूज करते हैं है केटॉर, स्प्रिंग और वर्टेक्स। जो फीचर्स कॉटलिन को खास बनाती है इंक्लूड करती है इंटरऑपरेबिलिटी जावा के साथ, एंड्रॉयड स्टूडियो सपोर्ट और काफी सारे फीचर्स जो कि आपको अलाउ करते हैं कि आप कम कोड लिखें और उसमें कम से कम बग्स जेनरेट हो। गिटहब के हिसाब से कॉटलिन में प्रोजेक्ट्स कंट्रीब्यूट करने वाली पॉपुलेशन लास्ट ईयर में डबल हो गई थी, जिससे कॉटलिन लास्ट ईयर का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज बन गया। कॉटलिन का हाईलाइट ये है कि एक वन स्टॉप लैंग्वेज है एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, और ऐसी काफी सारी कंपनीज है जो कि कॉटलिन को यूज करती हैं। जिन कंपनीज ने इसको पब्लिकली डिक्लेयर किया है वो है स्क्वायर, पिंटरेस्ट और बेसकैंप। December 18, 2018 के हिसाब से एक कॉटलिन प्रोफेशनल का US में एनुअल पे $131,000 पर ईयर है। इसी के साथ चलिए देखते हैं नंबर 9 पे क्या है। नंबर 9 पे हमारे पास है स्काला। स्काला एक स्केलेबल लैंग्वेज है जो कि अटेम्प्ट करता है जावा रीराइट करने का, ताकि उसके ड्रॉबैक्स पर इम्प्रूवमेंट हो सके। ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि इनकॉर्पोरेट करता है फंक्शनल प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिससे ये एक बहुत पावरफुल लैंग्वेज बनाती है। स्काला टेक स्टैक कंसिस्ट करता है काफी डाइवर्स लाइब्रेरीज, टूल्स और फ्रेमवर्क्स। कुछ पॉपुलर फ्रेमवर्क्स है प्ले और अपाची स्पार्क। स्काला अटेम्प्ट करता है जावा को ज्यादा फंक्शनल बनाने की कुछ एडवांस्ड फीचर्स ऑफर करके, जैसे स्ट्रिंग कंपैरिजन एडवांसमेंट्स, पैटर्न मैचिंग और मिक्सिंग्स। स्काला की कॉम्प्लेक्स फीचर्स प्रमोट करती है ज्यादा अच्छी कोडिंग और बेटर परफॉर्मेंस। ये लैंग्वेज काफी वर्सेटाइल है जो कि इसको अलाउ करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब एप्स और मोबाइल सॉल्यूशंस जैसे डेवलपमेंट्स में। स्काला ऑलरेडी एक सक्सेस है क्योंकि एप्पल, लिंक्डइन और ट्विटर जैसी कंपनीज इसको अपना कोड बेस बना चुकी हैं। ये आजकल की एक काफी बूमिंग टेक्नोलॉजी है, और स्काला डेवलपर्स की एवरेज सैलरी $117,000 पर ईयर है। नंबर 8 पे है एक काफी पुराना लैंग्वेज जो कि है C++। C++ एक सिंपल फिर भी पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि प्रोवाइड करता है एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। ये काफी पॉपुलर लैंग्वेज है बिगिनर्स के लिए जो कि यूजुअली अपना प्रोग्रामिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जिसके पास एक रिच सेट ऑफ लाइब्रेरी फंक्शंस और डेटा टाइप्स है। C++ यूज करके आप डेवलप कर सकते हैं कुछ काफी रिलायबल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, और कुछ मेजर डोमेन्स जिसमें C++ सबसे ज्यादा यूज होता है वो है गेम डेवलपमेंट, स्क्रिप्टिंग, मोबाइल एप्लीकेशंस और वेब सॉल्यूशंस। कुछ मेजर हाइलाइट्स C++ एप्लीकेशंस के हैं अडोब फोटोशॉप, गूगल क्रोमियम और मैपरेड्यूस। और ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट डेवलप हुए हैं C++ यूज करके। ये लैंग्वेज प्रोवाइड करता है जेनेरिक फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज जैसे WX विजेट्स, GTK++, बूस्ट और QT। और अगर हम जॉब्स के बारे में बात करें, काफी सारी कंपनीज जैसे एनवीडिया, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल स्किल्ड C++ डेवलपर्स, आर्किटेक्ट्स और डिजाइनर्स को $116,000 के एवरेज सैलरी पे हायर करते हैं। इसी के साथ चलिए देखते हैं नंबर 7 पे क्या है। नंबर 7 पे हमारे पास है C#। C# एक सिंपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जिसके पास एक बहुत रिच सेट है लाइब्रेरीज की, जो कि C# की कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन को लाइटनिंग फास्ट बनाती है। C# सबसे ज्यादा माइक्रोसॉफ्ट के .NET फ्रेमवर्क पे यूज होता है, जिसे आप वेब फॉर्म्स डिजाइन कर सकते हैं और विंडोज एप्लीकेशंस भी। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है गेम डेवलपमेंट में, खासकर की एक्सबॉक्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के XNA फ्रेमवर्क को यूज करके बनाया गया है। इसके अलावा ये ASP जैसे लैंग्वेज के साथ वेब डेवलपमेंट में यूज होता है। C# वर्चुअल रियलिटी गेम्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, और सबसे ज्यादा पॉपुलर है विंडोज 8 और विंडोज 10 एप्लीकेशंस में यूज होने के लिए। ये यूनिटी 3D गेम इंजन में गेम डेवलपमेंट के लिए भी यूज हुआ है,
और सी शार्प फ्रेमवर्क्स यूज करता है जैसे जैमरिन और .NET मोबाइल एप्लीकेशंस और गेम डेवलप करने के लिए। $78,000 की एनुअल सैलरी के साथ सी शार्प प्रोफेशनल्स की डिमांड काफी हाई है डैफोडिल सॉफ्टवेयर और इंटेलेक्ट सॉफ्ट जैसी कंपनीज में। ये आजकल की सबसे ज्यादा एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से एक है। नंबर 6 पे हमारे पास है गोलैंग। गोलैंग खुद टेक जॉइंट गूगल ने डेवलप किया है और उसमें फीचर्स हैं जैसे कॉन्करेंसी, जो कि काफी मुश्किल है बाकी लैंग्वेजेस में ढूंढना। गूगल की वर्सेटैलिटी एक कंपनी के हिसाब से रिफ्लेक्ट होती है अपने इस लैंग्वेज में। ये बहुत सारे अलग अलग सिनेरियोज में यूज हो सकता है, चाहे वो मशीन लर्निंग हो या वेब डेवलपमेंट, पर इसका हाईलाइट डेफिनेटली सिस्टम डेवलपमेंट है क्योंकि गोलैंग में काफी हाई स्केलेबिलिटी का स्कोप है। हालांकि ये रिसेंटली ही पॉपुलर हुआ है, इसके कुछ काफी यूजफुल फ्रेमवर्क्स हैं जैसे रिवेल और बीगो। गोलैंग डेवलपर्स डिमांड में हाई है और सप्लाई में कम, जो कि 2019 को एक काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बनाता है ये लैंग्वेज सीखने के लिए। अगर आप ये लैंग्वेज सीखे तो आप सिस्को और टेक सिस्टम्स जैसे कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी सैलरीज जैसे $120,000 पर ईयर ऑफर करती हैं। इसी के साथ चलिए लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्विफ्ट। ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हमें इस लिस्ट में डालना ही था। इसमें फीचर्स हैं जैसे ज्यादा अच्छी रीडेबिलिटी, स्पीड और डायनामिक लाइब्रेरीज। ये फीचर्स इंश्योर करती है कम एरर्स और छोटी एप्लीकेशन साइज, जिससे परफॉर्मेंस और ज्यादा इम्प्रूव होती है। स्विफ्ट स्पेसिफिकली एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए डेवलप हुआ है और एप्पल जैसी कंपनीज ऑब्जेक्टिव सी से स्विफ्ट में शिफ्ट हो चुकी हैं। मैक ओएस और वॉच ओएस और एप्पल ऐप डेवलपमेंट इस लैंग्वेज से काफी हैवीली इन्फ्लुएंस्ड है, जो कि इसका मेजर हाईलाइट है। स्विफ्ट के दो मेजर फ्रेमवर्क्स है कोको और कोको टच, जो कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अराउंड सेंटर्ड है, और एप्पल वॉलमार्ट और एमेजॉन जैसी कंपनीज ऐसी एम्प्लॉयज को हायर करना चाहती हैं जो कि स्किल्ड है स्विफ्ट में। इसके गिटहब में 11,000 से भी ज्यादा रिपोजिटरीज हैं और इस फील्ड में एनुअल सैलरी $81,000 पर ईयर है। इसी के साथ चलिए देखते हैं नंबर 4 पे कौन सा लैंग्वेज है। हमारा नेक्स्ट लैंग्वेज एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि पॉपुलर किया है डेटा साइंटिस्ट ने, और मैं बात कर रही हूँ आर के बारे में। आर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस और डेटा साइंस के लिए सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये ना सिर्फ एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है, ये एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि आता है क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी और एक बहुत बड़ी कम्युनिटी के साथ। ये फाइनेंशियल डोमेन में इकोनोमेट्रिक मॉडल्स बनाने के लिए, फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस एनालाइज करने के लिए और ज्यादातर डेटा साइंस के फील्ड में यूज होता है। ये टेलीकॉम सेक्टर्स में भी मैनेजमेंट चर्न करने के लिए, सब्सक्राइबर प्रोफाइलिंग करने के लिए और पर्सनलाइज एडवर्टाइजिंग करने के लिए यूज होता है। इसके हाईलाइट्स इंक्लूड करते हैं इंटरैक्टिव वेब एप्स और एक कॉम्प्रिहेंसिव लाइब्रेरी जिसमें 10,000 प्लस पैकेजेस हैं काफी सारी डाइवर्स नीड्स को केटर करने को। इसका सबसे ज्यादा पॉपुलर आईडीई है आर स्टूडियो, और आर लैंग्वेज के स्किल सेट के साथ आप एक डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, क्वांटिटेटिव एनालिस्ट और फाइनेंशियल एनालिस्ट के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो कंपनीज इसमें हायर करती है वो है फेसबुक, गूगल और ट्विटर, और ये एक $90,000 का पैकेज ऑफर करते हैं। इसी के साथ चलिए देखते हैं नंबर 3 पे क्या है। नंबर 3 पे हमारे पास है जावा, जो कि करंटली जॉब्स और डेवलपर कम्युनिटी के हिसाब से सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है। ये एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है जो कि रिलेटिवली इजी है सीखने के लिए, और जावा अपने आप को प्राइड करता है कुछ काफी पावरफुल फीचर्स को लेके, जैसे स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट, काफी हाई परफॉर्मेंस, बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी और टॉप नॉट सिक्योरिटी। ये काफी सारे डोमेन्स में यूज होता है जैसे मोबाइल एप्लीकेशन, वेब डेवलपमेंट, सिस्टम प्रोग्रामिंग, पर इसका हाईलाइट है उसका अबिलिटी छोटे छोटे मॉड्यूल्स या एप्लेट्स बनाने का एप्लीकेशंस के लिए। ये काफी सारे फ्रेमवर्क्स के लिए बेस भी प्रोवाइड करता है जैसे स्प्रिंग, हाइबरनेट और स्ट्रट। और जॉब ट्रेंड्स के हिसाब से जावा डेवलपर्स का डिमांड कभी कम नहीं होता, दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में, चाहे कंपनी एक स्टार्टअप हो या एक बहुत बड़ी टेक जॉइंट। $97,000 के एनुअल पे के साथ आईटी इंडस्ट्री में शायद ही ऐसा कोई कंपनी हो जो कि जावा डेवलपर्स को हायर नहीं करता। नंबर 2 पे हमारे पास है जावास्क्रिप्ट। यूनिवर्सली जो जानी जाती है वेब डेवलपर्स के लैंग्वेज के हिसाब से, जावास्क्रिप्ट एक फीचर रिच ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि एसिंक्रोनस इवेंट हैंडलिंग और क्रिस्प सिंटैक्स ऑफर करता है। ये वेब डेवलपमेंट के फील्ड में काफी ज्यादा यूज होता है।
जो एक सिंपल क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के हिसाब से शुरू हुआ था, आज के दिन में वेब डेवलपमेंट कम्युनिटी का हाईलाइट है, जो कि फीचर करता है मल्टीपल फ्रेमवर्क्स दोनों बैकएंड और फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए। अगर आपके रेज्यूमे में जावास्क्रिप्ट हो तो ये आपके लिए काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज ओपन अप कर सकता है, चाहे वो छोटे स्टार्टअप्स हो या टेक जायंट्स जैसे गूगल या फेसबुक। इसका मीडियन सैलरी $110,000 पर एनम है, और इसके अलावा ये एक कम्युनिटी फीचर करता है 400,000 रिपोजिटरीज का। एट लास्ट चलिए बात करते हैं हमारे लिस्ट के टॉप लैंग्वेज के बारे में, जो कि है पाइथन। पाइथन एक ओपन सोर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस डेवलप करने के लिए। ये GUI यूज होते हैं 2D इमेजिंग सॉफ्टवेयर्स के लिए, जैसे कि इंकस्केप, पेंट शॉप प्रो एक्सेट्रा, वेब फ्रेमवर्क्स जैसे कि जेंगो और फ्लास्क, और वेब एप्लीकेशंस जैसे गूगल मैप इंजन, सब पाइथन पे बेस्ड है। उबुंटू की यूबिक्विटी इंस्टॉलर और फेडोरा की एनाकोंडा इंस्टॉलर भी पाइथन में लिखे गए हैं। रेडिट, जो कि ओरिजिनली कॉमन लिप्स में लिखा था, बाद में पाइथन यूज करके रीराइट हो गया। पाइथन एक यूजर फ्रेंडली जनरल पर्पस लैंग्वेज है, जो कि सी और C++ के साथ काफी इजीली इंटीग्रेट हो सकता है। इसके अलावा पाइथन क्रॉस ब्राउजर सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। पॉपुलर पाइथन फ्रेमवर्क्स इंक्लूड करते हैं जेंगो, पिरामिड, टर्बोगियर और वेब2पाई। 894,000 गिटहब रिपोजिटरीज के साथ $116,000 पर एनम के सैलरी ऑफर करके पाइथन में हायर करते हैं कंपनीज जैसे गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्पॉटिफाई। इसी के साथ हम अपना लिस्ट कंक्लूड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।